तो फ्रेंड्स अब हो गया है शाम का टाइम, 6 बज गए हैं, 6:15, और अब दिन में काफ़ी फर्क लग गया, अंधेरा सा ही होना शुरू हो गया। और देखे मैं रसोई कितनी बार साफ कर लूँ लेकिन फिर से बिखर जाता है। अभी इसके पापा ने बना के दी बच्चों को चाट, और वो चने वाली चने रखे थे ना मैंने जो बॉईल किए हुए, जो खाना बनाया था जिसमें वो वाली। और अभी मैं 10 मतलब आधा घंटा पहले मैं रसोई साफ करके बर्तन वगैरह चाय के सारे करके गई थी और फिर कर दिया, तो फिर मुझे स्लेब साफ करना पड़ेगा। और बच्चे सारे खेल रहे हैं ऊपर, इसके पापा भी हैं और कृष्णा भी आया हुआ, पीयू चली रही थी, रुई और कृष्णा आया, तो मैं देख रही क्या कर रहे हैं, मैं अपने पापा के पास ही हैं। तो यहाँ पे ये देखे इनका गेम चल रहा, बहुत शोर मचा रखा, नीचे भी बहुत शोर जा रहा। आज कैसी कृष्णा की तबीयत है? जब तो कल तो देखे बिल्कुल सुस्त पड़ा रहा है, ठीक है? और कल क्या हो रहा था? कल तो ऐसा पड़ा था लटका हुआ बिल्कुल दिखेला, पानी डाल दिया पौधों में। कल तुलसी मनी आने का ना, फिर तुलसी यार में तो उसमें बहुत बढ़िया होगी, अब उसमें क्रेट में देखे। हाँ यहाँ इसके पापा ने ना बीज बीज ही तो डाला था आपने। अच्छा तो वो तो जब वो नीचे गिर रहा था तो उससे अच्छा इसमें डाल दिया, और क्या देख कितने सारे हैं तुलसी के ही, 500 पौधे होंगे ये। असल में जो तुलसी में है ना, 3 पौधे तो ये पहले ही हैं, इनमें से बीज हो रहे थे तो इसके पापा ने इसमें डाल दिए थे, तो मैं अच्छे हो गए और खूब भर गया। और ये हाँ यार पहले ही लग रहा था वैसे ही है, कभी कोई कुबाड़ा ना हो नू लग रहा था ना, तो अलग अलग खड़े लग तो रहा, उनका मूड सा लड़ाई होगी थी उनकी। अच्छा हाँ देखो मैं पूरी लड़ाई के मूड में, अब भी लड़ने के तैयार हैं, अभी तो लड़ेंगे मैं अभी वही है, जब तक एक नहीं जाने का जब तक लड़ेंगे, अभी तैयार हो रहे लड़ने के लिए। और इधर ये गुलाब 2 दिन हो गए ही हुई हो रहे, और मुझे लग रहा है धूप में ना जल जाएंगे। नहीं ये ना धूप की वजह तो हो रही है, धूप में जल जाए मैंने ये देखा, मुझे लगे धूप तेज हो गया बहुत ज्यादा, तो ये जैसा ये कली सी हो गया ऊपर से जल जा तो ये खिलते नहीं, मुझे तो ऐसा ही लगे ऐसा हुआ। अरे ये तो फिर सूख गया ये वाला पेड़ तो, के बारे में मैं चिंतित हूं, समझ नहीं आ रहा क्या करूं, दूसरा ही लगाना पड़ेगा, और कुछ नहीं। पेड़ बहुत बड़े हैं, वे जो रास्ते में नहीं हमने देखे थे ऐसे ही नहीं थे, वे फूल वाइट पिंक रेड काफी सारे उस दिन हम आए, हाँ है तो था ये बड़ा था का। और बस इसका यह था कि एक ही दिन के लिए आवा था, यह तो मिट्टी भी नहीं थी इसमें पहले गमले में, चलो खेल लिया क्या यो? क्या खेलना खेलना खेलना, बुरा परेशान हो रहा था है? खेल खालते तो ऐसे ही है। यहाँ पे देखिए जी ऊपर से आके अभी ये नीचे लग गए, इनके नीचे हो गया गेम शुरू बस। और अभी मैंने समेटा था यहाँ पे, जो ईशु ने आज प्रोडक्ट अपना वो बनाया था, क्या था वो ईशु का प्रोजेक्ट, वो फैला पड़ा था थोड़ी देर पहले ही, मैंने वो साफ करा था। और जो प्रोजेक्ट बनाया वो मैं आपको दिखा दूँ, ये बनाया है गुडनेस का, ये क्या बनाया क्या बोल रहे हैं इसे से? वेल है ये बनाया, ये कुआ पानी में, और ये बाल्टी है, और ये बाल्टी भी तो पूरा टपी कहना कृष्णा का नु कह रहा कृष्णा मम्मी ये तो टपी बना दिया इसमें, तो ये बनाया इसने उलियो ने बैल, ये ईशु का प्रोजेक्ट। और बेटा इसकी रस्सी व वा खींचने वाली भी तो बनानी थी, वाली जरूरी। अच्छा तो यहाँ अब टाइम हो गया पूजा करने का शाम का, और उन्होंने लाइटें बदलनी पड़ेंगी सारी के साथ, हाँ उठा ली अपना
मंदिर की जो प्लेट वगैरह ये सारी उठा ली, और आज हमारे जो कान्हा जी दोनों में उधर चले गए हैं, यहाँ पे यही है केशव जी, गोविंद जी और माधव जी आज उधर गए, पीयू आई थी वो लेके गई है, और आज अकेले गए, इनका तो मन भी नहीं लगने का, कान्हा जी का मारा ही, और हाँ हो जाए एकदम तो खाली सा हो जाओ, मैं ही खाली सा लगने लगे, तो कर चलो भाई ईशु पूजा करेंगे हैं, चलो हाथ मुंह धो लो सारे, चलो पूजा करेंगे, गुड्डू आ जा बेटा, तो अब हम करते हैं जी शाम की पूजा। तो यहाँ पे देखे मैंने लौकी काट ली, लौकी बनाऊंगी, और ये हरी मिर्च भी काट ली इसके लिए, तो यहाँ बस अब तड़का लगा देती हूँ, और इधर बच्चों के लिए रखी है आलू चने की सब्जी जो दोपहर बनाई थी, कन्हैया भी यही खाएगा, वो लौकी नहीं खाएगा ना बच्चे खाएंगे, तो बस हम दोनों लौकी खा लेंगे, बच्चे इसे खा लेंगे, तो बस अब मैं तड़का लगा के बनाती हूँ, चावल तो या रोटी के साथ खा लिए हैं, रोटी के साथ ही अच्छे लगते हैं, जब मैंने तेरे लिए रख रखे थे जब तू उधर चला गया था, फिर सभी पहले रख रखे थे, फिर वे ईशु ना खा लिए, अब रोटी बना दी है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब, आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, और हमारी पूजा हो गई है, आज है चौथा नवरात्रा, यहाँ पे देखे पूजा हमने कर ली है, और अब मैं बनाऊंगी नाश्ता, काम तो अभी सारा ऐसे ही पड़ा, नाश्ता बनाती हूँ सबसे पहले, और इधर देखे बच्चे लग रहे हैं नाश्ते की तैयारी में, दोनों आज बनाने हैं आलू के पराठे, इनको आलू के पराठे खाने हैं, तो यहाँ पे ये ईशु ने आलू छील दिए और गुड्डू कर लिया कद्दूकस, दोनों अपना लग रही है, बस बेटा बहुत है ये तो, और ना करो क्यों, बस फिर बचेंगे क्या फायदा, ठीक ये स्टफिंग बहुत है, अभी तो है चार पांच लोग, तो यहाँ पे बस मैं बनाना शुरू करती हूँ पराठे, आटे आटा मैंने लगा दिया ये रखा है, अभी मेरा स्लेब थोड़ा सा खराब सा हो रहा, अभी पहले स्लेब साफ करूंगी और फिर बस अपना नाश्ता बना दूंगी, ईशु जब तू ना आया ये ना करे बेट गुड्डू रह लेता ईशु, चल कर ले जन आ गया, तू ही रह रही, बस ईशु रह रही है नाए बिना, बाकी सब हो गए हैं रेडी, और बस मैं बना के तैयार कर दूंगी पराठे, काफ़ी दिन हो गए नाश्ते में कुछ नहीं बन रहा, सिंपल सी रोटी बना देती थी मैं, तो आज वैसे भी संडे है, फिर कल सब बच्चों का स्कूल हो जाएगा, फिर नहीं बनने के पराठे, तो मैंने सोचा चलो आज मैं आलू के पराठे बना देती हूँ, तो यहाँ पे बस आलू बॉईल किए थे पहले ही, पूजा करने से पहले मैंने रख दिए थे, तो वे हो गए और ये दोनों लग गए, तो यहाँ पे देखिए जी मैंने स्टफिंग बनानी शुरू कर दी है पराठों की, और ये आलू गुड्डू ने कर दिए हैं कद्दूकस, तो मैं इसमें नमक मिर्च मसाला जो भी मुझे मिलाना वो डाल लूँगी, सूखे मसाले ही डाल लूँगी, और वो भी ज़्यादा नहीं, बस मैंने इसमें नमक डाला, मिर्च डाली, लाल हरी डाली, धनिया पाउडर डाल लिया, और थोड़ी सी डाल ली अजवाइन, गरम मसाला भी ख़त्म हो रहा है नहीं, तो बस जो भी थे मेरे पास वो मैंने डाल लिया, और यहाँ पे इसको अच्छी तरीके से कर दूंगी मिक्स, बस प्याज मैं डालती नहीं वैसा तो हमेशा मैं डालती हूँ, फिर मैंने सोचा नहीं चलो कान्हा जी को भोग लगेगा ऐसे ही, तो मैं कहा चलो ऐसे ही बना देती हूँ, तो यहाँ पे देखिए खूब अच्छी तरीके से इसे मिक्स कर लिया मैंने, और इसको रख दूंगी, आटा वगैरह मैंने पहले ही लगा रखा, अब मैं उन्हें यही पूछ रही थी, मैंने कहा चाय के साथ लोगे या दही के, दही भी इसके पापा लेके आ गए थे, बल्कि थी नहीं तो लेके आए थे दूध भी और दही भी, और यहाँ पे बस तब तक मैं लेके आए सामान, और यहाँ पे मैंने तैयारी कर ली है सारी, और यहाँ देखिए गैस वगैरह साफ कर लिया, क्योंकि गंदा सा हो रहा था, जब तक स्लेब साफ नहीं करते तो तब तक मतलब खाना बनाने का मन भी नहीं करता, जब ही रोटी बनती है, फिर मैंने सोचा चलो स्टफिंग वगैरह सारी तैयार कर दूँ, क्योंकि फिर गिर ही जाता है स्लेब पे थोड़ा बहुत जो भी, और यहाँ पे बस फिर मैंने कर दिया क्लीन, और यहाँ इसके पापा सामान भी ले आए जो ज़रूरी था, ज़्यादा राशन तो लेके नहीं आए, और मैं इनको कई दिन से बोल भी लिया, और ये मुझे रोज़ कहते हैं कि लिख के दे दिए मुझे, और मेरे ही नहीं याद रहता, फिर मैं बाद में जब मुझे ज़रूरत होती है फिर मैं इनको बोलती हूँ, मैं करा ये ख़त्म हो रहा, फिर कहते हैं कि बता दिए मुझे मैं ले आऊँगा, तो यहाँ भी जो ज़रूरी सा था जैसा घी वगैरह ख़त्म हो रहा था तो वो मैंने मंगा लिया, दूध ले आए, दही ले आए, बाकी मतलब बड़ी शॉप पे जाके फिर वहाँ से ले आएंगे, तो यहाँ पे बस मैंने देखे पराठे बनाने शुरू कर दिए, और गुड्डू आ गई है मेरे पास, मैंने गुड्डू को बोल दिया, मैंने कहा बेटा मैं लगा रही खाना और तू दे दे सबको, तो यहाँ ये क्या नाम
राशन मतलब। तो यहाँ सबसे पहले गुड्डू देगी कान्हा जी को, कान्हा जी के लिए वो दही वगैरह लगा के तैयार कर लेगी, मैं बना दूंगी। और फिर मैंने बोल दिया सबको, मैंने कहा सभी कर लो नाश्ता और ये बस सब कर लेंगे। तो यहाँ फटाफट बस मैंने पराठे बनाने शुरू कर दिए हैं, और प्याज वगैरह डालो तो और ज़्यादा टेस्ट आता है, लेकिन फिर भी टेस्टी बन रहे थे और अच्छे लग रहे थे। और आजकल तो ये आलू अच्छे वाले आ रहे हैं, तो इनके ना अच्छी स्टफिंग बनती है। कई बार ऐसे आते हैं चिपचिपे से, तो उनसे ना सिंगल पराठे बनाने में दिक्कत होती है, लेकिन अब ये अच्छे आ रहे हैं। और देखिए बस मैं बनाती जा रही, और गुड्डू ने लगा दिया थाली, कान्हा जी की लगा दी। सबसे पहले वो दे खा रही, फिर अपने पापा को देगी, फिर मैंने उसको बोल दिया मैं कहा तू भी खा ले। और चाचू को इसने कर दिया था फ़ोन, तो वे कह रहे थे कि थोड़ी देर में आएंगे, बस फिर बाद में आ गए थे, मैं भी उन्होंने भी खा लिया था। तो यहाँ पे बस देखिए मैं बनाती जा रही, गुड्डू देती जा रही है और मैं खा रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ बन गए गर्मा गर्म पराठे आलू के, और मैंने तो खा लिए, गुड्डू ने भी खा लिया। ईशु रह रही, कन्हैया को फोन कर दिया, कन्हैया नीरज आ जाएंगे जा थोड़ी देर में, मैं भी खा लेंगे। पराठे गजब के बन रहे हो भाई, पर डर के मारो कम खाए जा। हाँ तो दवा के खा लू फिर फिर पेट पकड़ो फिर हो जाओ। है मिस्त्री आए थे, और कहीं जाना होगा तो मोटरसाइकिल लेकर गए, बस में तेल पेल का पता नहीं इतने। मोटरसाइकिल बाइक? अरे मोटरसाइकिल ही गया हम तो भाई, जक्कत भी मजाक उड़ान लगे हमारी तो। पापा नोनी नू बोल लो, नोनी नू बोल लो, पता नहीं कोई धर्मपुर रहता होगा इनके पहचान का। परसों भी ले गए वो हो जा काम उनका बिचार होगा। लाम बना दो तू खा ले बचा, चल चारा खोर बना दे तू, फिर मैं बना लूँ बाद में तेरे लिए, मेरे हाथ का ही खाओगी तू। ईशु कैसे लग रहे हैं पराठे? कान्हा जी को तो पूछा भी नहीं तन्ने, कान्हा जी को दे दिया था खाना, कान्हा जी को दे दिया था। और ये सामान देख, ये बुक्स वगैरह पढ़ी तेरी सारी की सारी? हाँ ज़्यादा पढ़ाई कर रहा है ये इसलिए चारों तरफ खिंडा के रखा है। मुझे बुक्स के माहौल में रहना बहुत पसंद है। हाँ पता, मोबाइल तो तू देखती भी नहीं है, मोबाइल कैसा हो पता तुझे? वो बहुत शरीफ है। चलो जी ब्रेकफास्ट कर लो आप भी। तो यहाँ सबने नाश्ता कर ही लिया था, आज दही के साथ ही खाए थे सबने पराठे, वैसे मैं दही नहीं खाती, आज मैंने भी खा लिए थे, आलू के पराठे अच्छे लगते हैं। तो फिर इसके चाचू आ गए थे, वे कहने लगे गुड्डू को चाय बना ले, तो गुड्डू ने बना ली, फिर मैंने भी, गुड्डू कहने लगी कि मम्मा आप भी पी लो, उसने मेरे लिए और अपने पापा के लिए बना दी, क्योंकि हमने पी नहीं थी, बल्कि मैं रसोई में लगी हुई थी साफ करने के लिए। तो वो कहने लगी नहीं मम्मा पहले चाय पी लो आप, फिर बाद में कर लेना नाश्ता, ना काम कर लेना बाद में। पता नहीं मेरे से बोला भी कुछ कुछ जा रहा, मेरा ना दिमाग असल में सेट सा नहीं है, यूं ही मतलब इधर उधर सा रहता है, कंफ्यूज सी रहती हूँ। जैसा किसी के साथ बात भी करती हूँ तो बोलती कुछ हूँ, माइंड कहीं और रहता है, फिर कई बार दिमाग में आ गया कि क्या बोल रही थी, ऐसा ही हो रहा मेरे साथ, बस दिमाग सेट सा नहीं है, बहुत डिस्टर्ब सा हो रहा। और गुड्डू के पापा मुझे बहुत हंसाने की कोशिश करते हैं, आपको पता ही है ये थोड़ा मजाक ऐसे टाइप के हैं, और कुछ ना कुछ इनको ये कहते ही रहते हैं जिससे कि मेरा मूड सही हो जाए। और मैं भी कोशिश कर रही हूँ, लेकिन फिर भी कोशिश भी कर लो, लेकिन जो मन में है वो तो है ही दुख, उसको निकलने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो यहाँ देखिए मैं कर रही थी किचन साफ, तो गैस मैंने कर दिया, फिर मैंने देखा ये पलट के ये नीचे से भी ख़राब हो रहा, कई दिन हो गए मेरे से साफ भी नहीं हुआ, तो फिर मैंने सोचा चलो इसको अच्छी तरीके से नीचे से क्लीन कर दूँगी, क्योंकि जैसा उबल जा रहा है ना तो वो साफ़ करना याद नहीं रहा।
तो नीचे वो जल सी रहा था, तो अभी तो मक्का हो जाएगा साहब, अगर ज़्यादा पुराना हो जाता है फिर जल के वो और भी ज़्यादा ख़राब हो जाता है। तो मैंने रगड़ सी के कपड़ा मार के खूब अच्छे से उसे नीचे से भी साफ़ कर दिया। और एक बार जब जलना शुरू हो जाता है ना ये गैस नीचे से, फिर साफ़ नहीं होता। जैसा काफ़ी दिन हो जाना साफ़ करे हुए और फिर जलना शुरू हो जाए, फिर तो कितनी कोशिश कर लो होता नहीं है। तो मैं ज़्यादातर इसको तीसरे चौथे दिन हफ्ते में एक बार तो कर ही देती हूँ, जिससे कि ये क्लीन रहता है। तो यहाँ पे बस सारी गैस लेप वगैरह मैंने साफ़ कर दी अच्छी तरीके से, और बच्चों ने कर दी घर की क्लीनिंग। बस रह गया आंटी का काम। आंटी अभी आई नहीं थी, आज थोड़ा लेट आई थी क्योंकि संडे था। संडे को सबके घर में थोड़ा ज़्यादा काम होता है तो वो लेट ही आती है। तो बस वीडियो का एंड करती हूँ मैं यहीं पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कॉमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। राधे राधे।